हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे जो है हम बाल मनोविज्ञान जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आपके हॉस्टन वार्डन, ठीक है, हॉस्टन वार्डन के लिए ये जो सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आपसे 10 नंबर देखेंगे सिलेबस उठा के अगर देखेंगे तो आपसे 10 नंबर से यहाँ जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम ऐसे मत सोचिए कि 10 नंबर से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 10 नंबर भी एक नंबर में एग्ज़ाम का जो है, मतलब जो कोई भी एग्ज़ाम का एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। इसी यहाँ पर तो 10 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में एक नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा या तो रुक जाएगा, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर से आपका जो है कंप्यूटर के सेशन से पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट उसको भी जो है ध्यान में देना है आपको, ठीक है जी। ऐसा नहीं इसी को देना है, मैथ्स वगैरह को जो है सेशन को स्टार्ट यहाँ पे जो है देखिएगा, मैथ्स वगैरह यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आज का हम देखें, ठीक है। और हॉस्टन वार्डन के ये जो बाल मनोविज्ञान है, शिक्षा कर्मी भर्ती, सी टेट हो गया, सी जी टेट हो गया, कोई भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या थारंडाइक, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान ने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, जितने भी कंटेंट तैयार होते हैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपका जीन पियाजे हैं, ठीक है। इन्होंने जिस पे रिसर्च किया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने, तो बाल मनोविज्ञान के जनक इन्हीं को कहा जाता है जीन पियाजे को, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जिस पे जो है फर्स्ट टाइम जो है बाल केंद्र पर इन्होंने रिसर्च किया था, इसलिए इनको जो है बाल विज्ञान का जो है इनको जनक कहा जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई है, 1841 में, 1842 में, 1835 में या 1840 में। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी आपके सन 1840 में, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कौन से सन में, ये आपके सन 1840 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से जो बुनियादी क्षेत्र है, विकास, ए में विकास, व्यवहार, समाजीकरण, भाषा और विकास, बी है व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण, सी है भावनाएं, पूर्व अवस्था, विकास, व्यवहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ये आपका व्यवहार, फिर विकास, भावनाएं और समाजीकरण, ठीक है, जो है बाल मनोविज्ञान से बुनियादी क्षेत्र है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, नहीं, स्वतंत्र है, हाँ या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ क्या बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक। तो बाल मनोविज्ञान के जो है, तो बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है, तो इसका जो है हाँ, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है, या इसको और जो है जो बाल मनोविज्ञान को नाम से किस अन्य नाम से जानते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक। तो बाल मनोविज्ञान को जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से हम जानते हैं, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो साइकोलॉजी जो भाषा है, ये जो कौन से जो है भाषा से जो है आया हुआ है, ठीक है, या इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान में किसका जो है रिसर्च या अध्ययन किया जाता है, आत्मा का, मन का, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, या गर्भकाल से परिपक्वता तक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान में किसका रिसर्च या अध्ययन किया जाता है, तो बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, गर्भकाल से जो परिपक्वता तक के जो इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में है, विप्रयोग पद्धति, आत्मचरित्र लेखन विधि, प्रश्नावली विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, विप्रयोग पद्धति, ठीक है। तो प्लेटो एक बलो जो है बाल मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने जो है बाल अध्ययन के लिए जो है एक विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख उनके जो पुस्तक है रिपब्लिक पुस्तक, विप्रयोग पद्धति में इन्होंने जो है इस पुस्तक में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन सी पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषण, नियंत्रित निरीक्षण या इनमें से इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोविश्लेषण। ठीक है, तो व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन सी पद्धति के परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? तो मनोविश्लेषण बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? माँ शब्द, बलबलाना, क्रंदन या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि यहाँ पे क्रंदन होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से तत्व जो है शामिल नहीं है उसको बताना है। यहाँ पे शामिल नहीं है उसको बताना है, बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, लिंग भेद या स्वभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वभाव इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से तत्व शामिल नहीं है? तो स्वभाव इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये आपका आईक्यू लेवल, ठीक है, आईक्यू लेवल जो है चेक करने का फार्मूला है जिसको हम बुद्धि लब्धि का सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो मानसिक आय वास्तविक आय इंटू 100। ठीक, तो ये आपका मानसिक आय और वास्तविक आय और इंटू यहाँ पे 100 इसका जो है फार्मूला है। ठीक है, मानसिक आय, वास्तविक आय और इंटू 100 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 90 से जिसका आई क्यू लेवल 90 से कम बुद्धि लब्धि जो बालक किसके अंतर्गत आता है, ये जो है मंद बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 90 से अगर नीचे है, ठीक है, तो ये जो है मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा और ये जो है 90 से ऊपर है तो सामान्य बुद्धि। अच्छा, ये लगभग 135 से लगभग 140 या 130 से 140 यहाँ पे दिया रहता है, तो ये जो है आपके जो है अच्छे बालक के अंतर्गत आते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन 135 या 140 से ऊपर आता है, 130 से ऊपर जाएगा तो अच्छा बच्चे जो है इसको आई क्यू लेवल अच्छा रहता है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके नीचे कम आता है तो ये आपको बुद्धि जो है ये जो है मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण है? भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बच्चे में बाल अपराध मतलब जो है बचपना में जो अपराध होते हैं इसके प्रमुख कारण है भौतिक भी, आर्थिक स्थिति भी, सामाजिक परिस्थिति भी, मतलब उपरोक्त सभी इसके जो है प्रमुख कारण है। ठीक है, बाल अपराध के बच्चे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना या उपरोक्त सभी। तो इसके जो है सभी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सभी जो है बच्चों के जो है प्रमुख बाल अपराध हैं। ठीक है जी, इसका डी आसन उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी जो शब्द है किस भाषा से बना है? ग्रीक, अरबी, अंग्रेजी, लैटिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है, ठीक है, ये जो है कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा से आपका हुआ आया हुआ है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है छात्र और अधीक्षक में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजी शब्द ये जो है आपके ग्रीक भाषा से आया हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन जो है गर्भकाल से जो है किशोरावस्था तक करता है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स डिवर, थार्नडाइक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। याद रखिए, ये पलम जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने मतलब जो रिसर्च किया था बालक में इसका विकास का जो अध्ययन जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक जो है इन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, जिसमें ये जो कथन इन्होंने क्रो एंड क्रो के द्वारा जो है दिया गया। ठीक है, तो बालकों को विकास पर अध्ययन इन्होंने किया था, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो, जेम्स डिवर, आइजनेक या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स टेबर, ये भी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की ये जो है शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, ये जो कथन इन्होंने दिया था जेम्स टेबर, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक अब अलग अलग इन्होंने जो है अपना यहाँ पर अध्ययन जो है प्रस्तुत किए हैं, ठीक है जी, कथन दिए। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस सीमन ने, एफ जीन पियाजे ने, एस फ्रायड ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस फ्रायड, याद रखिएगा। तो बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस फ्रायड के द्वारा किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जान डॉलर, एस फ्रायड, जान मेलन, या जान डॉलर, या पी जे नीर के द्वारा, ठीक है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जान डॉलर और आपके पी जे नीर, इन दोनों के द्वारा जो है किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है बच्चों के अध्ययन के कौन से तरीके हैं, इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए, यहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था होती है, ठीक है, तो जितने भी अवस्था है उसका आपका कार्यकाल आपको आना चाहिए। तो इसी तरह बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, ये उपरोक्त सभी, ठीक है। तो बाल्यावस्था कौन से एज को बोला जाता है, ठीक है, ये जो है 12 वर्ष तक के एज को जो है बाल्यावस्था यहाँ से बोला जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या संवेग वृद्धि, ठीक है। तो विकास में बुद्धि से तात्पर्य है कि आकार, सोच समझ और कौशल में जो वृद्धि होती है उसी को है विकास बोलते हैं, ठीक है जी, या इससे वृद्धि से तात्पर्य यही है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तनाव और क्रोध की अवस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या वृद्धावस्था में? तो आप देखेंगे जो है किशोरावस्था, किशोरावस्था में जो है तनाव सबसे ज़्यादा, तनाव और क्रोध वगैरह का जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। तो किशोरावस्था इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? तो बालक विकास का जो परिणाम है ये आपका वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का है, मतलब जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सेन गुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो डॉक्टर सेन गुप्ता है, ठीक है। तो भारत में जो है जो मनोविज्ञान के जनक इन्हीं को कहा जाता है डॉक्टर सेन गुप्ता, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन में यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, ठीक है, जो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट।